सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहा था कि भाई कबूतर में मेल और फीमेल का पहचान कैसे करना है, ये हमें बताओ। भाई हमें पता ही नहीं चलता कि कबूतर में मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। लेकिन गाइस, मैं इससे पहले एक वीडियो बना के बता चुका हूँ कि भाई मेल और फीमेल का पहचान कैसे करना है, ठीक है। लेकिन गाइस, कुछ लोगों को कहना था कि भाई दोबारा से वीडियो बनाओ कि मेल फीमेल का पहचान कैसे करें। कुछ लोगों, बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि सुई धागा से पहचान किया जाता है तो कबूतर को उल्टा करके पहचान किया जाता है। कैसे पहचान किया जाता है, जो कबूतरबाज होते हैं वो कबूतर को देख के कैसे पहचान लेते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। सो गाइस, जितने भी पुराने कबूतरबाज हैं जिन्होंने कुछ टाइम से कबूतर का शौक़ कर रखा है, भाई वो ना ही सुई धागा से पहचान करते हैं ना ही कबूतर को उल्टा करके। जो बंदा कबूतर का कुछ टाइम से शौक़ कर रहा है वो देख के बता देगा कि भाई ये मेल है या फीमेल, ठीक है। लेकिन वो क्या देखता है, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वही चीज़ की अगर आप छोटी छोटी चीज़ होती है कि अगर आप देखोगे तो गाइस आप भी बहुत ही जल्द पहचान करना सीख जाओगे, ठीक है। तो गाइस, कुछ लोग देखो, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मेल और फीमेल की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका मस्ताना, उसका घुटकना, ठीक है। जो बंदा ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देख लेगा वो भाई 80% पहचान कर लेगा कि हाँ भाई ये मेल है ये फीमेल है। क्योंकि जो मेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घुटकते रहते हैं, जैसे कि आपने मेरे छत पे भी देखा होगा और आप लोग गाइस मेरे छत पे देख के पहचान जा रहे होंगे कि कौन सा इसमें मेल है कौन सा इसमें फीमेल है। क्योंकि जो मेल है वो ज़्यादातर टाइम घुटकते रहते हैं और फीमेल गाइस बहुत ही बाई चांस ऐसा होता है कि घुटकती हैं, नहीं तो भाई मेल अधिकतर घुटकते रहते हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर ये चीज़ का अगर आप ध्यान दे दोगे तो बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें देखा जाता है, तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो फिर भाई आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेल फीमेल का पहचान करने नहीं आता तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट देखना, समझना और उसके बाद वही चीज़ अपने कबूतर में भी देखना, आप भी बहुत जल्द कबूतर में मेल और फीमेल का पहचान करना सीख जाओगे, ठीक है। सो गाइस देखो, सबसे पहली चीज़, तो जो मेल होगा उसका जो गाइस पोटा है, जो आगे का हिस्सा है जो गर्दन के नीचे होता है, जो उसका पोटा है वो बड़ा होगा फीमेल के तुलना में, ठीक है। अब जो गाइस देख सकते हो, जो मेल जितने भी हैं उनका जो सीना बोलो, जो उनका सीने जैसा है वो चौड़ा रहेगा और फीमेल से बड़ा रहता है मेल का, ठीक है। और गाइस, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जो फीमेल की खोपड़ी है वो थोड़ी छोटी और पतली होगी और मेल की जो खोपड़ी है वो थोड़ी मोटी और थोड़ी सी बड़ी होगी फीमेल के तुलना में। ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा। गाइस आप देखो, मैं जो जो चीज़ बोल रहा हूँ आप खुद, आपको वीडियो में जो दिख रहा है मेरे कबूतर उन्हीं में देखो, ठीक है, कि जो मेल के जो पोटा है वो फीमेल की तुलना में बड़ा है, ठीक है। जो खोपड़ी है वह भी बड़ी है, जो गाइस गर्दन है वह भी मेल का बड़ा रहेगा फीमेल के तुलना में, ठीक है। गाइस ये चीज़ हो गई भाई बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो। और बात करते हैं कि क्या सिर्फ मेल घुटकते हैं या फीमेल, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मेल भी घुटकते हैं और फीमेल भी घुटकती है, लेकिन फीमेल गाइस इतना नहीं घुटकती। मेल बहुत ज़्यादा घुटकते हैं और फीमेल बहुत ही कम, रेयरली घुटकती हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे उन्हें गुस्सा आ गया चाहे कुछ भी, या फिर मस्ता रही हैं, तब मतलब बहुत ही रेयरली चांस होता है कि फीमेल घुटकते हैं, ठीक है, मेल के तुलना में। और मेल जो है गाइस हमेशा मस्ती में घुटकते रहते हैं, ये चीज़ हो गई। और आप ये देखो, मेरे छत पे इतने सारे कबूतर हैं, इनमें से जितने भी गाइस मेल हैं उनका घुटकना आप देखो कि मेल किस प्रकार से घुटकते हैं। फीमेल कभी भी ऐसे नहीं घुटकेंगी, ठीक है, इस तरीके से कभी भी फीमेल नहीं घुटकती। फीमेल घुटकेगी तो थोड़ा सिंपल तरीके से घुटकेगी और उसका आवाज़ बहुत ही स्लो होगा, ठीक है, और मेल के आवाज़ से बहुत ज़्यादा अलग होगा, ठीक है। ये चीज़ देखो, मेल जो है गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग कबूतर कि देख लो, मेल जो है अधिकतर ऐसे ही घुटकते हैं और फीमेल जो है ऐसे नहीं घुटकती, ठीक है। फीमेल गाइस बहुत रेयरली चांस होता है कि घुटकें। और अब बात करते हैं कि मान लो भाई आपके कबूतर घुटकते ही नहीं हैं, तो भाई अगर आपका कबूतर घुटकता नहीं है तो उसके पीछे दो तीन रीज़न होगा, या फिर वो बीमार होगा, या फिर वो डर रहा होगा आपके छत पे, या फिर
वो अभी पट्ठे में है। ठीक है, तो गाइस पट्ठे में मेल फीमेल का पता करना बहुत मुश्किल होता है। पट्ठे में कई कई बार जो है मेल जो होता है वो फीमेल जैसी हरकत करने लगता है, और जो फीमेल है वो मेल जैसी हरकत करता है। ठीक है, और गाइस देखो ये जो अभी वाइट वाली फीमेल है, देखो इसको कहते हैं भाई फीमेल जो है हीट में आ गई है, मस्त आ रही है। ठीक है, देखो मेल कैसे चल रहा है और फीमेल कैसे चल रही है। ठीक है, जो वाइट वाली गाइस मेरा जोड़ी है, कागजी मेल और पंजाबी फीमेल, देखो आप उस चीज़ को देखो कि वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और गाइस जो मेल होते हैं भाई वो ज़्यादा कर यही चांस है कि मेल घुटकते रहेंगे। देखो इन लोग के भाई चलने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, देखो फीमेल कैसे चल रही है ध्यान से गाइस। अगर ऐसे ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। ये देखो फीमेल पूरी हीट में है, पूरी मस्त आ रही है, देखो कैसे चल रही है, देख रहे हो। और गाइस मेल जो है पूरा सीना टाइट करके अपनी गर्दन ऊपर करके चलेगा, और फीमेल जो है कुछ इस प्रकार से चलती हैं। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका कबूतर कैसे चल रहा है, क्या चीज़ नहीं। कई कई बार ऐसा होता है कि जो मेल होते हैं वह भी ऐसी हरकत करने लगते हैं पट्ठे में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पट्ठों में पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अंदाज़ा ही लगाया जाता है, 100% क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं भाई कि मान लो अगर हम कबूतर लेने जाएं चाहे कुछ भी, तो कैसे पहचान करें। तो गाइस सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप पहचान करना सीख जाओगे तो आप कबूतर का सामने से देख के आप तुरंत बता दोगे कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, भले 1-2% आपसे गलती हो जाए, लेकिन अधिकतर यही चांस है कि आप सही बताओगे, क्योंकि आपको आदत हो जाएगा कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर देख के, उसकी खोपड़ी देख के, सब कुछ देख के। अगर वो घुटकेगा भी नहीं ना, तो आप देख के बोल दोगे ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, सो गाइस लेकिन और आपको एक चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको पहचान करने में आसानी होगी। अब आपको कुछ लोग क्या करते हैं कि कबूतर को इंस्टा पे गाइस में मेरे से वो लोग पूछते हैं कि भाई हमें पता नहीं चल रहा है मेल है या फीमेल है, तो मैं बोलता हूँ भाई पेटी में डालते समय की वीडियो भेजो। तो वो लोग क्या करते हैं, कबूतर को पेटी में रहने देंगे और एक और कबूतर को पकड़ के उसके पास ले जाएंगे। तो गाइस वो कबूतर जो है गुस्से के मारे उसको मारता है, उसको घुटकता है। तो भाई ऐसे हर एक कबूतर करेंगे, ऐसे मेल भी कर सकता है फीमेल भी कर सकता है। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मतलब आप उस कबूतर को पेटी में डाल के छोड़ो, देखो वो घुटक कराएगी नहीं। अगर वो फॉर्म में घुटक रहा है मतलब मेल है, या फिर गाइस अगर वैसे नहीं घुटक रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, मेल को पहले कोई पेटी में डाल दो और उसी के पास कोई फीमेल रख दो। ठीक है, अगर गाइस वो मेल होगा तो 95% चांस है कि वो बहुत ही फॉर्म में घुटकेगा, और अगर वो फीमेल होगी तो गाइस ज़्यादा कर यही चांस है कि वो अगर उसके पेटी में कोई जाएगा तो वो उसको मार के भगा देगी। ठीक है, और गाइस मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, चलो अब देख लो, मैं खुद एक कबूतर अपना पकड़ के आप लोग को पेटी के अंदर भी ये चीज़ हो रहा है कि नहीं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो गाइस ये देख सकते हो भाई, ये एक मेरा कलसरा मेल है। ठीक है, आपने देखा होगा इसको, इसको मैंने पकड़ लिया है, और देखो गाइस ये है इसकी पेटी। ठीक है गाइस, आप ऐसे भी पेटी में डालोगे तो कबूतर घुटकने का पूरा चांस रहता है। ये अभी डर रहा है क्योंकि सारे कबूतर बाहर है, कुछ कुछ अंदर है, ठीक है, इसलिए ये डर रहा है। लेकिन अगर आपका कबूतर ऐसे नहीं घुटकता तो कोई भी एक फीमेल पकड़ो और उसके पास में रख दो, ठीक है, कि वो फीमेल को देख ले। अब ऐसा नहीं कि ये देखो गाइस, ये देखो मैंने इसको रखा, ये देखो कैसे घुटक रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कि भाई ये मेल है, ये इसकी फीमेल नहीं है, उसके बाद भी ये घुटक रहा है। गाइस जो मेल होंगे वो इसी प्रकार से घुटकेंगे, ये चीज़ आप देख सकते हो, देखो। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि कोई भी फीमेल या कोई भी दूसरा कबूतर पकड़ के आप उसको पास ले जाओगे कि वो गुस्से के मारे मारे, भाई उस तरीके से तो कोई भी मारेगा, मेल रहेगा तो भी उसको घुटक घुटक के मारेगा, फीमेल रहेगी तो भी घुटक घुटक के मारेगी। ठीक है, सो गाइस अब देखो ये फीमेल ऊपर चली गई, अब इसके पास में जो है ना, अगर फीमेल के पास में अगर आप फीमेल रखो या मेल रखो, वो उसको ज़्यादातर यही चांस है कि वो मार के भगा देगी अगर उसका पेटी रहेगा तो। ये देखो, ये गाइस मैंने फीमेल रखा, मार के भगा दिया इसने। ठीक है, ये घुटकेगी उठकेगी नहीं, जो फीमेल है गाइस वो तुरंत अटैक करेगी, तुरंत मारेगी। ठीक है, अब देखो इसके सामने, देखो गाइस ये मेल है, इसके सामने मैं कोई भी फीमेल रखूँ ये घुटकेगा, अगर मेल रखूँ तो मेल को थोड़े गुस्से के मारे घुटकेगा या फिर उसको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर फीमेल रखूँगा मेल के सामने तो पूरा 90% चांस है कि वो फॉर्म में घुटकेगा, मस्ती मारेगा। ठीक है, अब देखो, अब गाइस इसी मेल को पकड़ते हैं और उस फीमेल के पास रखते हैं। ठीक है, अभी देखो वो फीमेल का क्या रिएक्शन है, जिस पे ये घुट, देखो देख रहे हो ये फीमेल भी इसको मार रही है। गाइस जो फीमेल रहेगी ना वो मारेगी,
देखो ये भी थोड़ा थोड़ा घुटक रही है, जो फीमेल होती है वो बहुत ही कम थोड़ा थोड़ा घुटकती है। नीचे देखो जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली फीमेल है वो भी थोड़ा थोड़ा देखो कैसे घुटक रही है, देखो उस प्रकार से जो है फीमेल घुटकती है। देखो वो गाइस फीमेल है, और मेल देखो कैसे, मेल कुछ ज़्यादा घुटकते हैं और देखो फीमेल इससे ज़्यादा नहीं घुटकेगी। ठीक है गाइस, ये मेरे पास ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा घुटकती है, बहुत ज़्यादा देखो, तो भी फ़र्क पता चल जाता है। देखो मेल कैसे घुटक रहा है, देखो मेल कुछ ज़्यादा ही तेज़ी तेज़ी से घुटकेगा, और आवाज़ में भी अब आवाज़ भी सुन सकते हो, और फीमेल का आवाज़ भी थोड़ा अलग और स्लो रहेगा। देखो इस फीमेल को रखा, इसको भी देख के मेल जो है घुटकने लगा, ठीक है, वो मेल भी इसको देख के घुटकने लगा। तो गाइस यही एक तरीका है, बहुत आसान। अगर आप कबूतर खरीदने जाते हो, चाहे कुछ भी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आपके कबूतर नहीं घुटक रहे, तो जिस कबूतर का जो पेटी है उसमें रख दो, और उसके पास अगर आपके पास कोई मेल है तो उसके पास में कोई भी एक फीमेल जो है पास में, मतलब कि वो देखे, उसके नज़दीक में ले जाके रख दो, और ज़्यादा डराओ मत, डर जाएगा भाई कबूतर तो बिल्कुल नहीं घुटकेगा। ये देखो ये गाइस फीमेल है, ये जो अंदर बैठी हुई है ना ये फीमेल है, और देखो मैंने ये मेल रखा है, तो ये मेल जो है दूसरे जगह जाके नहीं घुटक रहा है, क्योंकि वो डर गया है इस समय पे, उसे पता है। और लेकिन ये फीमेल देखो, ये फीमेल भी डर रही है, ठीक है। अगर गाइस इसी के जगह ये मेल होता कागजी, तो घुटक घुटक के इसको मार के भगा देता, ठीक है। तो गाइस यही छोटी छोटी चीज़ होती है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे वो करना है, तो गाइस जैसे जैसे मैंने बताया आपको भी वैसे ही करना है। जो जो चीज़ मैंने बताया कि कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर, जो मेल होगा उसका पोटा बड़ा होगा, जो सीना है वो भी बड़ा होगा, मेल जो है थोड़ा सीना टाइट करके चलना पसंद करते हैं, ठीक है। और गाइस जो फीमेल है वो थोड़ी झुकी हुई रहती है मेल के तुलना में, ठीक है। आपको कंपेरिजन करके गाइस पहचान करना है, ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये चीज़ तो इसमें भी है, ये चीज़ इसमें, कंपेयर करना है तब आपको समझ आएगा कोई भी चीज़, ठीक है। और गाइस पेटी में भी मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि अगर जैसे जिसका पेटी है उसमें उसको रहने दो, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल, तो उसके पास कोई एक फ़ीमेल रख दो, ठीक है, एकदम अंदर मत रखो, थोड़ा बाहर ही रख दो कि वो उसको देख के घुटके। अगर गाइस उसके पास में अगर वो फीमेल होगी, तो वो मेल आप रखो या फीमेल रखो, वो उसको मार के भगा देगी, ठीक है। अगर उसका पेटी है तो वो मार के भगा देगी 100%। और अगर मेल रहेगा और आपने उसके पास मेल रख दिया, तो वो घुटकेगा या फिर कैसे भी करके उसको मार के वो भी भगाएगा। लेकिन अगर आप किसी मेल के पास कोई फीमेल रख देते हो, तो गाइस वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती में घुटकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो गाइस यही तरीका होता है, अगर आपको नहीं समझ आता है मेल और फीमेल का पहचान करना, या फिर आप कबूतर खरीदने जाते हो, तो ये चीज़ कर सकते हो, जिसका जो पेटी है उसमें आप डाल के देखो कबूतर घुटक रहा है कि नहीं, नहीं घुटक रहा है तो उसके पास कोई फीमेल रख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मेल और फीमेल का पहचान करना सीखना है। और गाइस एक बार अगर आपको क्लियर हो गया, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेटी में भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कुछ समय में ही कबूतर को देख के बता दोगे कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं आपसे कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।